हेलो, नमस्कार दोस्तों। 19 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का आर्टिकल आया है वो है केस इश्यूज़ के बारे में। तो अभी केस क्राइसिस चल रहे हैं इंडिया के कुछ स्टेट में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो क्या गया है। तो कंटेक्स्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र के कुछ स्टेट, कुछ जिले हुए, इसके साथ ही बाकी उत्तराखंड के कुछ एरियों में क्या अभी केस का इश्यू चल रहा है। तो और कुछ स्टेट ऐसे इंडिया में जहाँ पर कोई भी केस का इश्यूज वगैरह नहीं है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे राइटर है वो डिस्कस कर रहे हैं कि देखो केस का इश्यू चल रहा है और गवर्नमेंट ने जो उस टाइम पे तो स्टेप उठाए नहीं, और अभी जब समस्या ज़्यादा बढ़ गई है उस टाइम पे स्टेप उठाने की बात हो की जा रही है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या तो रीजंस हैं कि उनकी वजह से केस का जो इश्यू वो चल रहा है। देखो बात ऐसी है कि अभी सडनली क्या हुआ, कुछ टाइम पहले, मतलब 15-20 दिन पहले से नहीं हुआ कि जो करेंसी की जो डिमांड है ना इंडियन करेंसी की, उसके इंडिया के कुछ स्टेट में डिमांड वो असामान्य रूप से बढ़ गई। मतलब अचानक जो जितनी डिमांड थी ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो बैंक है वहाँ, जो बैंकों के ATM वगैरह है वहाँ पे केस का इश्यू चलने लग गया है। बैंकों पर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें वगैरह सीन है वो चल रहा है। कुछ स्टेट की बात है, सभी स्टेट का सीन ये नहीं है। अब देखो इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि केस का इश्यूज क्यों है। कुछ रीजन तो देखो, एक तो ये है कि अभी इस टाइम पे आपको पता है कि किसान है वो फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो जो फसल है वो एक्चुअली खेतों से उन्होंने फसल प्रोड्यूस की है उसको ऑब्वियसली वो मार्केट में बेचने जाएंगे। अब आपको पता है कि मार्केट में बेचने जाएंगे तो उनको पैसा तो कोई ना कोई व्यापारी वगैरह देगा, तो इसलिए मार्केट में क्या कि पैसे की डिमांड बढ़ गई है, मतलब सॉरी पैसे की मारामारी हो गई है, क्योंकि सभी व्यापारी को भाई पैसा चाहिए, क्योंकि किसान वहाँ फसल बेचने जा रहे हैं। तो जब व्यापारियों के पास पैसा होगा तभी तो वो किसानों को देंगे। तो एक तो जो क्रॉप सेलिंग का कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से डिमांड है वो बढ़ गई है। इसके साथ ही दूसरी उम्मीद ये है, दूसरा रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि देखो अभी कर्नाटक में इलेक्शन आ गए हैं, तो इसलिए आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ इलेक्शन के टाइम पर अंधाधुंध खर्चा है वो करती हैं, तो इसलिए उस टाइम पर भी इलेक्शन जो पैसे की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो एक ये भी रीज़न बताया गया। इसके साथ ही दूसरा एक तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि देखो अभी क्या है कि जो ATM रिकैलिब्रेशन की जो प्रोसीजर है ना वो चल रही है। मतलब देखो आपको बताया कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे नए नोट वगैरह आए, तो उसमें सीन क्या था कि जो जितने भी ATM होते हैं ना इसके अंदर एक्चुअली बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर पैसे रखे जाते हैं। तो सभी बॉक्सेस होते हैं उनकी साइज हर नोट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो पहले के जो नोट थे वो हटा दिए गए थे, उसके बाद जब नए नोट के लिए जो नए बॉक्सेस वगैरह बन के आए थे ATM रिकैलिब्रेशन की प्रक्रिया में, तो उस दौरान काफी टाइम लग रहा था। और अभी सीन क्या है कि 200 के नए नोट और आए हैं ना, तो उसकी वजह से क्या कि ATM को रिकैलिब्रेशन किया जा रहा है, तो 200 के बॉक्स वगैरह और से ATM में फिट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ATM में केस की डिमांड है वो बढ़ गई है। ये कुछ रीजंस हैं। इसके साथ ही शादी विवाह के जो रीजंस हैं वो भी बेसिक है रीजंस हैं, वो यहाँ पे डिस्कस है वो बताए गए हैं। तो मेनली ये रीजंस हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इसके साथ ही एक दो रीजन और बताए गए हैं कि देखो एक तो लोगों के मन में आपको पता है कि ब्लैक मनी कवर करने के लोग क्या 2000 के नोट को होल्ड करने लग गए, क्योंकि 2000 के नोट में ब्लैक मनी को कवर करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या कि 2000 के नोट है उनको करना शुरू कर दिया ब्लैक मनी के तौर पे, तो इसलिए भी मार्केट में केस का थोड़ा इश्यू चलने लग गया है। इसके साथ ही एक FRDI बिल आया था, गवर्नमेंट जो बिल लेके आई थी, इस बिल के बारे में एक्चुअली काफी भ्रांति है मार्केट में वो हो गई थी मीडिया के सामने, तो उसकी वजह से क्या कि लोगों को ऐसा लगने लग गया कि यार हमारा जो पैसा है ना वो एक्चुअली गवर्नमेंट है, वो जैसे जो भी पैसा बैंकों में जमा है ना वो गवर्नमेंट हमें देगी नहीं अगर वो बैंक फेल हो गए। तो उस कंडीशन में लोगों को ऐसा लगा कि क्यों यार हम हमारे पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं, हम हमारे जो पैसे है ना वो घर पर डिपॉजिट कर लेते हैं ताकि बैंक में हमारा इश्यू ना हो कि बैंक कल डूब जाए तो हमारा लेन देना नहीं हो। क्योंकि आजकल पता है आपको कि इंडिया में बैंकों की हालत है वो भी कुछ थोड़े टाइट है वो चल रही है, तो इसकी वजह से लोगों ने जो पैसा है वो अपने पास रखना शुरू वो कर दिया है। तो ये कुछ रीजन्स सामान्य रीजन्स बताए जा रहे हैं नॉर्मली कि इनकी वजह से ऐसे इश्यूज हैं वो हुए हैं। इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि केस की जो शॉर्टेज है ना उसकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं है कि अभी बड़ी है, 15-20 दिन पहले ही पता चल गया था, बट राइटर का ऐसा कहना है कि देखो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर स्टेप नहीं उठाया। जिम्मेदारी RBI की होती है कि भाई जो पैसे की सप्लाई है वो सुनिश्चित किए, बट यहाँ पर RBI ने उस टाइम पर तो स्टेप लिया नहीं, और अब जब समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है उस टाइम पर गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई समस्या उसका जल्द समाधान किया जाएगा, पैसों का जो वितरण है वो अभी RBI के द्वारा काफ़ी थोड़ा और मतलब एक से बढ़ा दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत वो नहीं आने वाली है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ ही राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट है वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम ने कहा था कि भाई हम 2000 का नोट एक बार इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि मार्केट में पैसे का जो वितरण है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर 100-100 के नोट मार्केट में लेके आ जाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट 2000 के नोट लाई थी उस टाइम पर। बट आजकल ये चीज़ सामने आ रही है कि लोगों ने 2000 के नोट उनको होल्डिंग करना शुरू कर दिया है और ब्लैक मनी और ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा राइटर के द्वारा बताई गई है। अब चलते हैं हम आगे आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडिया के बारे में है। देखो आपको पता है कि इंडिया ग्लोबल लीडर बनने की बात काफ़ी बार सामने, मतलब बार बार ये बात उठती है मीडिया में, इसके बारे में हमने काफ़ी आर्टिकल भी डिस्कस किए हैं कि इंडिया को ग्लोबल लीडर वो बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, वो सारे रीजन्स की बात है। अब यहाँ पर राइटर कुछ अपने पॉइंट्स वगैरह बता रहे हैं। राइटर का ऐसा कहना है कि देखो भाई बात ऐसी है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना वो बाकी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया की अपनी सॉफ्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर हार्ड पावर की वजह।
पहले बता दूं कि हार्ड पावर होती क्या है। देखो हार्ड पावर वो होती है जैसे किसी मिलिट्री के द्वारा किसी को दबाना, जैसे कि यूएसए की हार्ड पावर काफी ज्यादा है क्योंकि वो आपको पता है कि कहीं भी कुछ होता है तो मिलिट्री के द्वारा डरा धमका के सेंक्शन वगैरह लगा के, तो ऐसी जो पावर होती है उसको कहते हैं हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर वो होती है जैसे कि इंडिया की अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे काफी प्रोजेक्ट वगैरह चले हैं, तो इंडिया के लिए वहाँ पे काफी सॉफ्ट पावर के रूप में काफी काम किए हैं। जैसे कि वहाँ पे आतंकी संगठन से लड़ने के लिए भी इंडिया ने काफी फैसिलिटी उनको मदद है वो दी है। इसके साथ ही वहाँ पे जो प्रोजेक्ट के लिए जारांग डेलाराम हाईवे वो भी बनाया, तो मतलब इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, तो इंडिया के वहाँ पे सॉफ्ट पावर है, तो वो वाली बात यहाँ पे आती है। अब राइट का देखो ऐसा कहना है कि भाई इंडिया के सॉफ्ट पावर उसमें तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे अभी हमारा जो टाइम है वो है कि हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक क्यों होना चाहिए इसके बारे में देखो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो बात ऐसी है कि नेहरू के टाइम पे जो नेहरू था, नेहरू जी थे, उनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि भाई हमें डिप्लोमेसी पे फोकस करना है, और उस टाइम पे एक्चुअली वो सोच चाह रहे थे कि डिप्लोमेसी के थ्रू वो अपनी जो वर्ल्ड की इंडिया की जो वैल्यू है या ग्लोबल लीडर के तौर पर पूरे वर्ल्ड के सामने लेके आए। बट राइटर बता रहे हैं कि देखो उस टाइम पर हमारी हार्ड पावर नहीं थी इसलिए एक्चुअली बाकी अदर की कंट्रीज वो हमें इतनी वैल्यू नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसकी हार्ड पावर होती है उसी को बाकी कंट्रीज एक्चुअली वैल्यू देती हैं। जैसे कि यूएसए की आपको पता है कि हार्ड पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो बाकी कंट्रीज़ क्या है कि बजाय डर धमके भी हाँ ठीक है चलो मान लेती उनकी बात। तो वाली बात यहाँ पे की जा रही कि भाई उस टाइम पे नेहरू जी नेता तो बनते रहते थे अड़ोस पड़ोस के कंट्रीज में, बट फिर भी इतनी वैल्यू इंडिया को नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि इंडिया की उस टाइम पे ना तो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी ना ही इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी। तो आपको पता है कि जो कंट्री फालतू की लंबी लंबी बातें कर रहा है उसकी कौन बात मानेगा? तो वो बात ही बात यहाँ पे आती है कि उस टाइम पे इंडिया ने डिप्लोमेसी पे काम तो किया था बट इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो बाकी कंट्रीज इस पर इंडिया पर इतना बिलीव है वो नहीं करती थी। अब देखो बात ऐसी है यहाँ पे कि केवल नेतागिरी करने से या केवल पॉलिटिक्स करने से ही जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसके साथ ही जो पुलिसमैन का अगर हमें रोल निभाना है इंडिया को, तो उसके लिए हमारे पास पावर है वो होनी चाहिए। किस तरह की पावर? हमारे पास सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर है वो भी होनी चाहिए, मतलब हमारी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और सबसे अहम बात क्या है कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कि आजकल आप एक चीज़ देख सकते हो, चाइना की आजकल जो वैल्यू है या चाइना एक तरीके से ग्लोबल पुलिसमैन की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो भाई बात ऐसी है कि चाइना की आज के टाइम पे इकोनॉमी ना वो बहुत बड़ी है, मतलब चाइना हर कंट्री में पैसे बांट रहा है, हर कंट्री में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है एक तरीके से। तो ऑब्वियसली सभी कंट्रीज क्या है कि उसकी वाई वाई करेंगे, चलो ठीक है चाइना, जैसे नहीं होता है कि अमीर दोस्त होते हैं उसकी सब बातें सुनते हैं, तो वो वाली बात है कि चाइना है उसके पास अभी उसकी जेबें भरी हुई हैं, तो वो सभी कंट्रीज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और अपना जो प्रोजेक्ट वगैरह वो चला रहा है। तो इसलिए चाइना का दबदबा है वो बाकी और कंट्रीज में बढ़ता है वो जा रहा है, और ग्लोबल पुलिसमैन का जो रोल है वो निभाने की तरफ वो लगातार अग्रसर है। बट बात यहाँ पे इंडिया की जा रही है कि देखो इंडिया की जो बात है वो ऐसी है कि इंडिया की अभी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी चाइना की है। अगर इंडिया को ग्लोबल पुलिसमैन या इंडिया को एक तरीके से लीडर बनना है, ग्लोबल लीडर बनने की बात है, तो इसलिए इंडिया को सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमारे पास हार्ड पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, सॉफ्ट पावर ऑलरेडी हमारी अच्छी है, तो बाकी कंट्रीज हमें अपने आप भाव है वो देने लग जाएंगी और हम एक ग्लोबल पुलिसमैन की तरह काम है वो कर सकते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि देखो इंडिया की जो स्टार्टिंग की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना वो एक तरीके से आइडियल वाली थी कि भाई हम केवल हम उस कंट्री के साथ ही, जैसे आपको पता है कि इंडिया ने ऐसे बात की थी स्टार्टिंग में कि हम केवल उसी कंट्री के साथ रिलेशन रखेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह हो, ऐसी ऐसी बातें हैं। बट आपको पता है कि धीरे धीरे इंडिया को पता चलने लगा, सबक मिलने लगे, एक के एक बाद जख्म मिले, तो इंडिया को समझ में आया कि भाई देखो आइडियलिस्टिक होने से कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ जैसी हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, हमारा अगर जहाँ पे काम बन रहा है वैसे वैसे हमें ठीक है, हमें ज़्यादा किसी देश के अंदर इंटरफेरेंस करने से कोई फायदा वो नहीं होने वाला है। इसके बाद में बात की आती है कि देखो जो बड़ी जो पावर होती है ना इनके बीच में अगर इंडिया को बैलेंस का रोल निभाना है ना, तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो है कि इंडिया की सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग करनी होगी और इंडिया को बाकी कंट्रीज को सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करनी होगी। अगर जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया अगर एशिया में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे एक तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान का इश्यू देख लो कि इंडिया को अफगानिस्तान के एरिया में एक्चुअली अपना दबदबा वो बढ़ाना होगा, वहाँ पर मिलिट्री वगैरह लगानी होगी और वहाँ पर एक तरीके से मतलब बाकी और कंट्रीज को सपोर्ट करते हुए वहाँ पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाना होगा हार्ड पावर के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के लिए नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अफगानिस्तान में बहुत खर्चा होता है, और मेनली एक बात तो है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी कंट्री गई है, चाहे यूएसए गया हो चाहे यूएसएसआर गए हो, किसी का भी भला नहीं है, सबका बंटाधार वहाँ पर हो गया है। मतलब जो भी कंट्री अफगानिस्तान में गई है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्रेवयार्ड एक तरह से कब्रिस्तान है। जो भी कंट्री वहाँ जाती है हेल्प करने के लिए वो खुद ही बेचारी अंत में हाथ धो के वापस आ जाती है। और यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेटेशन हुआ था, मतलब यूएसएसआर जो टुकड़ों में बटा था, वो भी मेनली उसकी वजह से ही बटा था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम की जो उसकी इकोनॉमी भी टूट गई थी और आर्मी भी काफ़ी कमज़ोर है वो हो गई थी। अब बात ऐसी है राइटर के द्वारा फिर नेक्स्ट स्टेप ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो
सबसे अहम जो चीज़ वो यही है कि जो इंडिया में ऐसा हो रहा है ना कि भाई इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है, ऐसी बातें हैं, ये एक्चुअली इंडिया के पॉलिटिशियन ही करते हैं। ऐसी बात नहीं कि जनता करी है, क्यों, क्या करते हैं इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो वाई वाई बटोरने के लिए या फिर अपनी प्रतिष्ठा वो बढ़ाने के लिए कि भाई इलेक्शन के टाइम हम कहेंगे कि देखो हमने इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाया, हमने इंडिया को ये करवाया है वो करवाया, मतलब केवल इस कामों के इलेक्शन के नजरिए से देखते ही केवल ऐसी बातें पॉलिटिशियन के द्वारा वो की जाती है। अगर इंडिया को रियल में ग्लोबल लीडर बनाया, ग्लोबल पुलिसमैन बनना है ना, तो इंडिया के जो पॉलिटिशियन है ना उनको कुछ हटके काम करना होगा, उनको अपनी जिम्मेदारी है ना उनसे मुंह नहीं मोड़ना होगा, उनको अपनी जिम्मेदारियों की तरफ अग्रसर होना होगा और जो उनकी जिम्मेदारी है उनको सॉरी वो उनको पूरी कंप्लीट तरीके से करनी होगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो यूएसए का, यूएसए और इंडिया में क्या डिफरेंस है, वहाँ के पॉलिटिशियन है वो हर जगह हर कंट्री में एक्चुअली अपना सपोर्ट देने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे सीरिया की बात देख लो चाहे अफगानिस्तान में, मतलब वो हर जगह अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं और हर जगह अपनी पावर का यूज़ भी करते हैं। बट आपको पता है कि इंडिया इस लाइक नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर काम देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नज़र से देखा जाता है। चाहे आप किसी भी इशूज़ को देख सकते हो, इंडिया में हर नज़रिए को वोट बैंक के नज़र से देखा जाता है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो देखते हैं कि भाई जहाँ हमारे इलेक्शन में हमें फायदा हो रहा है ना, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग वो काम है वो करती हैं। अब राइटर का ऐसा कहना है कि देखो भाई एक बात ये सीधी सीधी कि इंडिया को ग्लोबल लीडर की जो बात की जा रही है ना उसका कोई फायदा नहीं है, फिलहाल हमें सबसे जो अहम काम करना है वो ये करना है कि हमारे देश की इकोनॉमी है ना उसको हमें ऊपर लेके जाना है। जब तक हमारे देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसके पास पैसा होता है ना उसी की तूती बोलती है। तो सबसे पहले इंडिया को है ना ग्लोबल लीडर बनने की बजाय अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहिए। आपको पता है जिस तरीके से चाइना ने 20-30 साल अपने आप को पूरे वर्ल्ड से अलग थलग रखा था और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर फोकस किया था, इसी के बाद चाइना की इकोनॉमी वो लगातार आगे बढ़ती गई और आज पूरे वर्ल्ड में चाइना की इकोनॉमी वो बहुत ऊपर जा रही है, मतलब काफ़ी सबसे ऊपर चाइना की इकोनॉमी है, मतलब आप देख सकते हो ट्रिलियन वगैरह की नज़रिए से। तो वो बात यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो इंडिया को भी कुछ उसी तरीके से काम करना चाहिए, हमें ग्लोबल पुलिसमैन ऐसी बातों की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी रीजनल जो फोकस है रीजनल पावर है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीजनल जो साउथ एशिया की जो बात की जा रही है वहाँ पर इंडिया काफ़ी मतलब एक तरीके से बड़ा है और इसमें इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया को रीजनल पावर पर तो फोकस कर सकता है, बट ग्लोबल पुलिसमैन में अगर इंडिया घुस रहा है तो इंडिया को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिलहाल ना तो इंडिया की वो नीड है कि इंडिया ग्लोबल पुलिसमैन की तरफ बढ़े और ना ही इंडिया के लिए वो भी सही होगा। अगर इंडिया ग्लोबल पुलिसमैन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे इंडिया को नुकसान ही होने वाला है। इससे अच्छा यही होगा कि हमें हमारे पड़ोसियों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए और ज़्यादा हस्तक्षेप हमें किसी में करना नहीं चाहिए। और हमारी ऑल ओवर बात यही है कि हमें ग्लोबल पुलिसमैन की बजाय हमारे रीजनल पावर पर फोकस करते हुए हमारी इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए, तभी हमें ज़्यादा फायदा वो होने वाला है। और एक बड़ी बात यह है कि देखो आपको पता है जो बड़ी कंट्रीज है ना यूएसए हुआ हुआ की जो यूके वगैरह की जो कंट्रीज हैं ये एक्चुअली जो वेस्टर्न कंट्रीज आप बोल सकते हो ये एक्चुअली उन्हीं कंट्रीज के साथ चलते हैं जहाँ से इनको फायदा हो रहा हो। जैसे कि स्टार्टिंग में यूएसए को वेपन वगैरह बेचने के लिए पाकिस्तान से फायदा हो रहा था तो पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे और आज उसको पता है कि भाई इंडिया से फायदा हो रहा तो आज वो इंडिया के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो ये हमें एक चेस गेमर बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पैदा नहीं बनना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी की तरफ फोकस करना चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि यार यूएसए हमारा भला करेगा, यूएसए किसी का सगा नहीं है, उसने पहले भी बाकी कंट्रीज को चुना लगा है धोखा दिया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ फोकस है वो करना चाहिए। इसके बाद में बात ऐसी आती है कि हमें जैसा मैंने बताया कि सबसे अहम काम यह कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जब पैसा हमारे पास होगा तो बाकी जो हमारी पावर है वो अपने आप बढ़ जाएगी, तो हमें इस चीज़ पर फोकस वो करना चाहिए। और लगभग हमें 20 साल तक हमारी इकोनॉमी पर चुपचाप फोकस करना चाहिए, पहले हमारा जो घर है वो तैयार करना है, उसके बाद हमें दूसरी तरफ देखना है, पहले हम हमारा घर तो बचा लें, इसके बाद हम बाकी की जो वर्ल्ड की बात है वो यहाँ पे करेंगे। तो ये द्वारा इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस हैं वो किए गए हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रियल इस्टेट के बारे में आया है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो डिस्कस किए गए हैं। देखो बात ऐसी है कि जो बिल्डर्स हैं ना 2016 के पहले जो रियल इस्टेट जो एक्ट आया था इससे पहले बिल्डर क्या करते थे, अपनी मनमर्जी करते थे, कहीं भी उन्होंने कोई भी एक्चुअली प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया, बिल्डिंग वगैरह फ्लैट वगैरह बनाना शुरू किया, तो वो क्या कि जो भी ना तो मैपिंग वगैरह ढंग से बताते थे कस्टमर को, ना ही उसको प्रॉपर चीज़ें बताते थे, जो भी मतलब बिल्डिंग का मैपिंग वगैरह ना वो रजिस्टर वगैरह नहीं करवाते थे और अनाप शनाप पैसा ले लेते थे, मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर अपनी दादागिरी करते थे उस टाइम पे, कस्टमर के कोई भी इंटरेस्ट थे ना उनको सब नहीं किया जाता था। तो इसीलिए 2016 में जो रियल इस्टेट एक्ट है वो लेके आ गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात इसमें हुआ क्या, इसमें ये प्रावधान किए गए कि भाई अगर जो भी बिल्डर है अगर वो नया प्रोजेक्ट लगा रहा है ना तो सबसे पहले तो उससे गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना होगा। इसके बाद में बात ऐसी कि उसको जो भी अपना मैप वगैरह है स्ट्रक्चर वगैरह है जो भी डायग्राम उसने तैयार किया कि भाई हमारा ऐसा नक्शा वगैरह है वो गवर्नमेंट को दिखाना होगा, उसको पास करवाना होगा, इसके साथ जिस भी कस्टमर को अगर वो बेच रहे हैं ना तो उसको सबसे पहले मैप वगैरह वो सब कुछ क्लियर करना होगा। और अगर एडवांस ले रहे हैं वो कस्टमर से तो वो मैक्सिमम 10% ही एडवांस ले सकते हैं, 1 करोड़ का फ्लैट है तो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही वो एडवांस है वो ले सकते हैं मैक्सिमम।
इसके साथ अगर बिल्डर ने फ्लैट बेच दिया है तो उसके बाद 5 साल तक बिल्डर की जिम्मेदारी होगी कि भाई उसका मेंटेनेंस वगैरह वो करे, मतलब अगर जैसे 5 साल के अंदर कोई भी उसमें टूट फूट वगैरह होगी तो वो बिल्डर की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेप उठाए थे इस एक्ट में, मतलब सीधी सी इसमें बात ये थी कि कस्टमर के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट वो किया गया था। अब हुआ क्या, आपको पता है कि ये जो रियल इस्टेट का जो एक्ट था ये एक्चुअली आता है स्टेट लिस्ट में, मैली कौन लिस्ट में आता है, तो इसको एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल बना दिए। अब बात आती है कि सभी स्टेट को अपने अपने स्टेट में भी रूल रेगुलेशन वो बनाने थे। इसलिए हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला सभी स्टेट को कि देखो भाई आप भी अपने स्टेट में एक्चुअली रेरा एक्ट वो बनाइए, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात कही गई थी, मतलब आप रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाओ, उसके द्वारा वो उसका सारा काम क्या होगा, वो ये काम करेगी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग वगैरह उसको मैप वगैरह को फिक्स करना, रजिस्टर वगैरह करना, किसी भी बिल्डिंग वगैरह में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो वैलिड है नहीं है, बिल्डिंग के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह है वो सही है नहीं है, वो सारे काम इसके द्वारा रेरा के द्वारा वो किए जाएंगे। इसके साथ ही एक अहम बात ये थी कि जो भी प्रोसीजर वगैरह वो सब सारा काम बताना स्टेट की जिम्मेदारी है कि कस्टमर को बताए या बिल्डर्स को बताए कि भाई आप इस तरीके से आके यहाँ पे प्रोजेक्ट है इसमें आप काम स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे आपको एक इस तरीके से आपको ये चीज़ रजिस्टर करानी है अपना प्रोजेक्ट और इसमें ये गाइडलाइंस वगैरह हैं, वो सारा काम स्टेट को करना है। ये बारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बता दिया स्टेट को कि भाई आप ऐसा काम करिए। बट इशू क्या हुआ, इशू देखो ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह दिया, अब कुछ स्टेट ने तो ये काम है वो कर दिया है और कुछ स्टेट ने क्या ये काम पेंडिंग में लटका रखा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से इसमें एक ये प्रावधान किया था कि देखो बिना जो गवर्नमेंट की क्लियरेंस के अगर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जा रहा है ना वो इनवैलिड होगा और वो अवैध होगा, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है वो उसको एक्चुअली हटा सकते हैं, उसको नष्ट कर सकती है। मतलब अगर आपने बिना क्लियरेंस लेके अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है तो वो अवैध है और उसकी एक्चुअली कोई भी आपको सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी और वो ना ही किसी को आप सेल वगैरह वो कर सकते हो। तो अब इश्यू ये आ गया कि कुछ स्टेट ने जिन्होंने रूल वगैरह नहीं बनाए ना उनके पास क्या कि एक्चुअली जो वहाँ पे बिल्डर वगैरह थे उनको पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ तो उनको जाके रजिस्टर करवाना है कौन सी साइट है, मतलब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, बस उनको ये तो पता चल गया कि भाई हमें रजिस्टर करवाना ये गाइडलाइंस है, बट उनको ये नहीं पता कि हम रजिस्टर कहाँ करवाएं, कैसे हमें ये प्रोसीजर वगैरह वो सारी उनको पता नहीं था क्योंकि ये काम तो स्टेट का था और वहाँ पे स्टेट ने लॉ वगैरह कानून वो बनाए नहीं। अब दिक्कत इसमें यह आ गई कि कुछ बिल्डर्स वगैरह ने क्या भाई प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दिए, अब प्रोजेक्ट ये तो है ना कि बिल्डर ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो उन्हें प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए। और इसमें एक्चुअली ये प्रावधान था रियल एस्टेट जो एक्ट था 2016 में, इसमें ये प्रावधान था कि विद इन जो 2016 के अंदर जो एक्ट था इसमें कहा था कि 2018 अप्रैल तक एक्चुअली ये क्लियर करना होगा कि जो भी एक्चुअली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना उनको एक्चुअली क्लियरेंस वगैरह मिल जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह को क्लियरेंस ना मिले और वो बीच में पेंडिंग ही रह जाए। मतलब सीधी सी बात यही है कि जो प्रोडक्ट अभी एक्चुअली पेंडिंग में चल रहे हैं या जो प्रक्रिया वगैरह पेंडिंग में है उनके लिए भी क्या होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि अप्रैल 2018 तो आने वाला है, अगर इसके बाद उनका कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया तो वो इलीगल हो जाएंगे और उनको एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा बिल्डर को और उनको काफ़ी सारा लॉस है वो हो सकता है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो भाई अभी गवर्नमेंट के पास है वो अभी 10-12 दिन है, तो उन 10-12 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी रूल रेगुलेशन ऐसा कुछ बनाना चाहिए ताकि जो बिल्डर्स ने जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया ना उनके इलीगल ना हो और उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइन वगैरह हो सके, क्योंकि देखो इसमें गलती स्टेट की है कि स्टेट ने रूल रेगुलेशन बना ही नहीं तो बेचारे बिल्डर करे क्या, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए बिल्डर्स वगैरह के फेवर में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और कुछ स्टेप उठाना चाहिए। तो हमें रियल स्टेट जो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट है 2016 इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या प्रावधान वगैरह किए गए, तो यूपीएससी में लिए प्रीलिम्स में पूछ सकती है, बाकी मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो जाता है। तो ये तो थे देखो आज की हमारी डिस्कशन, आज हम डिस्कशन में काफी लेट हो गए, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।